आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर आपका दामन थाम रहे हैं। लेकिन जिंद में जिलाध्यक्ष लाभ सिंह ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे अपनी पार्टी छोड़कर आए नेताओं की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने जिंद में बड़ी घोषणा की और ऐलान किया कि किसी भी पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को पार्टी में नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों न हो, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ा वोट बैंक क्यों न हो। ऐसे नेताओं की आम आदमी पार्टी में कोई एंट्री नहीं होगी। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये मैसेज दिया कि जितने भी पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी, पूर्व चेयरमैन किसी भी पार्टी के हैं, वो जो पार्टियों में पदों पर रह चुके हैं, जो मंत्री पदों पर रह चुके हैं, जो एमएलए के पद पर रह चुके हैं, उनकी कोई एंट्री नहीं होगी पार्टी में। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, क्योंकि ये आम लोगों की पार्टी या आम आदमी पार्टी है, ताकि ये खास लोग इस पार्टी में आके खास ना बना दे। इस बात को देखते हुए कई बार आप मीडिया बंधु हो, आप कई बार चर्चा करते थे भाई फला अपने ये डुमरखा से वीरेंद्र जी आएंगे या नहीं आएंगे, कई और भी जगह से ऐसे सवाल आते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये घोषणा कल दोपहर भी दोबारा मीटिंग लेके दोबारा फिर उसको कंडर किया भी कोई भी पूर्व एमएलए एमपी जो किसी पार्टी का हो, चाहे कितना बड़ा धुंधर हो, कितनी उसके पास वोट हो, कोई भी जिला अध्यक्ष या कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराएगा। लाभ सिंह ने कहा कि ये फैसला पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लिया है। लाभ सिंह ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करके आम आदमी पार्टी को खास पार्टी नहीं बनाया जाएगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा फैसला लिया है। लाभ सिंह ने ये भी कहा कि दूसरी पार्टियों की तरह आम पार्टी चुनाव में पैराशूट उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।